हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। हम कंपनीज एक्ट के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें कि हमने फीचर्स वगैरह स्टार्ट कर दिए थे, ख़त्म भी कर दिए थे उनको। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, इसके क्या है आइए देखते हैं। यस, दिस इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसके बारे में हम बातें करेंगे। कॉर्पोरेट वेल्थ थ्योरी, ये देखिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए कंपनी में हमने बातें करी थी कि अगर हम कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें जो कंपनी में, एक सेकेंड, या पिंक कलर, ओके जी। तो हमने बातें क्या करी थी कंपनी के बारे में, हाँ तो हमने ये बात करी थी कि कंपनी जो होती है उसकी जो लायबिलिटी होती है वो अपने जो डायरेक्टर्स होते हैं, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, मेंबर्स होते हैं, उनसे जो बिल्कुल ही अलग होती है। तो कॉर्पोरेट वेल्थ थ्योरी भी यही कहती है कि देखिए अगर आप किसी कंपनी को स्टार्ट करते हैं और उसमें आप अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसके शेयर्स ख़रीद लेते हैं अगर आप, तो क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए कॉर्पोरेट वेल्थ थ्योरी बताती है, कॉर्पोरेट वेल्थ थ्योरी में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो कंपनी है उसकी जो लायबिलिटी होती है, मतलब कंपनी जो है अगर उसने किसी से गुड्स ख़रीदे हैं, मान लीजिए ए ए कोई इंसान है, इसने इसको दे दिया है, ए अपना बिजनेस चला रहा है, इसने इससे परचेस कर लिए कंपनी ने गुड्स, तो देखिए ये कंपनी की लायबिलिटी है कि कंपनी जो है वो ए लिमिटेड को ऐसे जो है वो देगी। अगर कंपनी के जो शेयर्स हैं, मान लीजिए 5 उसके शेयर होल्डर्स हैं, तो उनकी लायबिलिटी पर्सनली नहीं आएगी कि वो एक एक इंसान, कोई या एक इंसान या दूसरा इंसान जाके पे करे, ये कंपनी की लायबिलिटी है कि वो उसको पे करेगी। दूसरा, इसी तरह गवर्नमेंट ड्यूज़ की बात आती है कि गवर्नमेंट जो ड्यूज़ होते हैं उसमें भी सेम यही कहा गया है कि जो कंपनी के ऊपर जो इनकम टैक्स लगता है, या अगर कंपनी जीएसटी पे करना होता है कंपनी को, या फिर कोई एक्साइज हो गया, या फिर कुछ और भी जितने भी गवर्नमेंट ड्यूज़ हैं, कुछ भी हैं, तो उसके लिए कंपनी पर्सनली लायबल होगी। इसके लिए मेंबर्स को क्या है, कुछ पर्सनली लायबल नहीं किया जाएगा, ठीक है। सो ये तो हो गई एक बात। अब दूसरी बात पे आते हैं, यहाँ पर तो ये लॉ में लिखा है कॉर्पोरेट वेल्थ थ्योरी। अब क्या होता है इसका, जब पहले कंपनी स्टार्ट हुई थी, कंपनी एक्ट जब बना था 1956 में, तो ये कंसेप्ट लाया गया था। लेकिन अब देखिए जो लॉ मेकर्स होते हैं वो बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, तो उन्होंने पहले से ही अपना माइंड यूज़ किया और सोचा कि अगर कॉर्पोरेट वेल्थ थ्योरी अगर इस तरह की रहेगी, मतलब पर्सनली लायबल नहीं करेंगे हम मेंबर्स को या शेयर होल्डर्स को या फिर डायरेक्टर्स को, तो क्या होगा, इससे जो लोग हैं वो गलत फ़ायदा उठाने लगेंगे। ओके, क्योंकि देखिए कंपनी का खुद का माइंड नहीं होता है, कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, लेकिन उसका खुद का माइंड नहीं होता है। क्योंकि देखिए कंपनी में जो कोई भी चीज़ अप्रूव होती है उस पर सिग्नेचर लगते हैं, या तो मेंबर्स के या फिर डायरेक्टर्स के, वही ऑथराइज करते हैं, तभी कंपनी में कोई भी एक्ट या फिर कोई भी काम होता है। तो इसमें क्या हुआ, पीछे जो इंसान है वही डायरेक्टर्स हैं या मेंबर्स हैं, वही जो होते हैं डे टू डे अफेयर्स देखते हैं उसके। तो इसलिए एक और कंसेप्ट लाया गया कि लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ थ्योरी। तो इसमें देखिए क्या होता है, इसमें ये कहा गया, सेकेंड जी, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ थ्योरी। तो लॉ मेकर्स ने कहा कि एक काम करते हैं, हम एक कंसेप्ट ये भी डाल देते हैं कि लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ थ्योरी, मतलब अगर कभी भी हमें ऐसा लगा कि कंपनी के जो अफेयर्स हैं वो गलत हैं, या जो मेंबर्स हैं या शेयर होल्डर्स हैं या डायरेक्टर्स हैं कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिससे कि लोगों को नुकसान हो रहा है, या गवर्नमेंट के ड्यूज़ को, गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा है जो कि अपोज है पब्लिक पॉलिसी के, तो हम क्या करेंगे, कंपनी को अलग से लायबल नहीं मानेंगे। मींस जो कंपनी के और जो डायरेक्टर्स हैं या मेंबर्स हैं उनके बीच में जो पर्दा है, जो एक पर्दा इस वजह से है कॉर्पोरेट विल की वजह से, हम उसको उठा देंगे। मींस हम पर्सनली लायबल किसको करा देंगे, डायरेक्टर्स को या शेयर होल्डर्स को करवा देंगे। तो आइए आगे पढ़ते हैं, कुछ केसेस दिए गए हैं, पढ़ लेते हैं कि कब लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल लग जाएगी, कब उठा दिया जाएगा पर्दा दोनों के बीच से। देखिए सबसे पहले, टू डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ द कंपनी, दैट इज़ टू फाइंड आउट वेदर द को एनिमी और फ्रेंड, मतलब कंपनी जो है, कंपनी का कैरेक्टर हम देखना चाहते हैं। अगर गवर्नमेंट को अगर शक हुआ किसी कंपनी के ऊपर कि वो सोच रही है कि, मान लीजिए कोई कंपनी है ए लिमिटेड मान लेते हैं, अब ये ए लिमिटेड है, ये अपना काम कर रही है, ओके, अब अचानक से
कुछ ऐसा काम कर रही है जिस पे चेक रखते हैं, अथॉरिटीज़ होती हैं जो वो चेक रखती हैं, क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न जाती है, इतनी सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ऑडिट होता है, तो उस वजह से क्या आता है कि नज़र में आती हैं सारी कंपनियाँ। तो इनकम टैक्स जो अथॉरिटी है या फिर जो कोई और जीएसटी डिपार्टमेंट हो गया या फिर एक्साइज डिपार्टमेंट हो गया, जिसके भी जिसमें भी ये अपना सबमिट करती है, सभी में मान लीजिए इसने दिया अपना कुछ रजिस्टर्ड है, तो वहाँ से चेकआउट हो जाती हैं एक्टिविटीज़। तो वहाँ से अगर शक हुआ कोई भी अथॉरिटी को कि जो कंपनी है ये कोई ऐसा बिजनेस कर रही है किसी और के साथ जो हमारा को एनिमी है या दोस्त, को एनिमी है या मतलब दुश्मन है या दोस्त है, मतलब देखिए अब कंपनी जो है मानते हैं कि जो इसके मेंबर या शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने कंपनी इसलिए बनाई है ताकि वो एनिमी कंपनी, एनिमी कंट्री के साथ, एनिमी कंट्री कोई भी हो सकती है, उसके साथ की क्या करना है, बिजनेस कर रहे हैं। मैं एनिमी कंट्री जैसे कि जो जिसके साथ बिल्कुल ही गवर्नमेंट ने मना कर रखा है ट्रेड वगैरह करना, तो कंपनी ऐसी बनाई है जो कि को एनिमी के साथ व्यापार कर रहे हैं या फिर कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, उनके साथ डीलिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर वो कंपनी जो है वो क्या हो जाएगी, उससे लिफ्टिंग हटा दी जाएगी, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल, और मेंबर्स और शेयर होल्डर्स क्या होंगे, पर्सनली लायबल हो जाएंगे। दूसरा केस, टू प्रोटेक्ट द रेवेन्यू और टैक्सेस। हाँ, कुछ ऐसा काम करने तो बहुत सिंपल है कि गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट के जो इनकम टैक्स है या जीएसटी है या ESI PF अगर उनके ऊपर लगता है इसकी लायबिलिटी है, तो वो अगर छुपा रहे हैं या फिर उसको गलत तरीके से उसको प्रेजेंट कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स को, या मिस रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, फ्रॉड करना चाह रहे हैं, जिससे कि क्या करें वो टैक्स को क्या कर सकें, बचा सकें, कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, तो उससे उसमें भी क्या होगा कि डायरेक्टर्स और जो शेयर होल्डर्स हैं उनको पर्सनली लायबल कर दिया जाएगा और लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल निकल उसको उठा दिया जाएगा, ठीक है। थर्ड आता है टू अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन। अब देखिए ये क्या है, लीगल ऑब्लिगेशन को अवॉइड करने के लिए कोई ऐसी कंपनी है जो सिर्फ बनाई गई है ताकि जो लीगल ऑब्लिगेशंस है कंपनी के वो कम कर सके। जैसे क्या हो सकता है, एक कंपनी है, ठीक है, ए लिमिटेड है, ठीक है, अब ये इसने क्या किया, बी लिमिटेड के शेयर्स खरीद लिए, ओके, बी लिमिटेड के शेयर्स खरीद लिए, अब बी लिमिटेड जो है वो डिविडेंड दे रही है इसको, डिविडेंड देने में पड़ी है इसको, इसको डिविडेंड दिया इसने खूब सारा, अब ए लिमिटेड ने क्या किया, ए लिमिटेड ने जितना भी अपना डिविडेंड था वो सी लिमिटेड थी एक, इसी की होली ओन सब्सिडरी थी, होली ओन सब्सिडरी का मतलब होता है कि जो कम ए लिमिटेड है उसने सारे उसके शेयर्स जो थे वो इसी के पास थे, ठीक है, ए लिमिटेड के पास, अब होली ओन कंपनी थी ये, ठीक है, तो अब क्या हुआ कि ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड से शेयर खरीद लिए थे और अब क्या किया, उसको बोनस, इनको अपने एम्प्लॉयज़ को बोनस देना था, अब बोनस देने के लिए सरप्लस होना चाहिए, तो जो डिविडेंड था वो इनके पास आ रहा था, प्रॉफिट एंड लॉस में दिख रहा था वो डिविडेंड, डिविडेंड जो भी था वो आता जा रहा था, अब इन्होंने क्या किया, बोनस इनको ज़्यादा ना देना पड़े, क्योंकि बोनस होगा वो कैश में देंगे या ये लोग, ठीक है, अब जब वो बोनस देंगे तो इससे क्या होगा, इनका कंपनी जो थी अपनी अवॉइड करना चाहती थी अपना जो ऑब्लिगेशन है, इस वजह से उन्होंने सारे शेयर्स क्या कर दिए, विथ डिविडेंड ये सी को ट्रांसफ़र कर दिए होली ओन कंपनी को, इससे इनका प्रॉफिट जो है वो कम हो गया, अब इनको बोनस जो है वो कम देना पड़ेगा। तो ये सब जब एक्टिविटीज़ होती हैं, जब डिपार्टमेंट के नज़रों में आती हैं सारी चीज़ें, PF डिपार्टमेंट, ESI डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, किसी के भी नज़रों में आ जाती हैं, तो वो क्या करते हैं, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल को कर देते हैं अवेल। अब आया एक फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडरी टू एक्ट एज एन एजेंट। अब ये देखिए इसमें एक पॉइंट और है, ये शायद यस, ये पहले पढ़ लेते हैं हम, इजी है, क्योंकि देखिए कंपनी फॉर्म फॉर फ्रॉड और इम्प्रॉपर कंडक्ट और टू डिफीट लॉ, मीन्स कंपनी जो है सिर्फ इस मकसद से बनाई गई है ताकि वो क्या कर सके, फ्रॉड कर सके, कोई ऐसा काम कर सके जो कि कानून की नज़रों में गलत है, और जिसका मकसद क्या हो, सिर्फ लॉ जो लिखा है लॉ में उस बात को गलत साबित करना, ठीक है, इस तरह से जो कि पर्पस ऑफ लॉ क्या कर देगा, डिफीट कर दे, ठीक है, तो इसलिए कोई भी कंपनी होती है तो भी कॉर्पोरेट विल को, कॉर्पोरेट विल नहीं लागू होती है उस केस में, पर्सनली लायबल कर देते हैं शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स को। हाँ, अब ये पढ़ते हैं, फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडरीज टू एक्ट एज एन एजेंट। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये क्यों ऐसा करा गया है, देखिए
सब्सिडरी बनाना, मतलब कि एक कंपनी बनाना और उसके सारे शेयर्स खरीद लेना। तो ये क्या हुआ इसमें, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कंसेप्ट। देखिए ये इससे कैसे लोग चोरी करते हैं या फिर अपना जो टैक्स है वो रेवेन्यू है जो बचा लेते हैं, इसी बारे में है। यस, देखिए इसमें क्या हुआ कि एक मानते हैं ए लिमिटेड थी, उसको लाइसेंस चाहिए था किसी व्हीकल्स का, ठीक है, लेकिन उसको लाइसेंस नहीं मिल पाया क्योंकि उसके कुछ बिजनेस थे इस तरह के थे कि लाइसेंस नहीं प्रोवाइड किया गया उसको। अब इसने क्या किया, एक बी लिमिटेड खोल लिया, बी लिमिटेड खोल के इसने शेयर्स ख़रीद लिए इसके सारे, ठीक है। अब ये बी लिमिटेड ए लिमिटेड की होली ओन सब्सिडरी हो गई। अब बी लिमिटेड ने अप्लाई किया लाइसेंस के लिए, अब इसको लाइसेंस मिल गया, इसको लाइसेंस मिल गया, ठीक है। अब इसको जब लाइसेंस मिल गया तो ए लिमिटेड ने अपने जितने जो भी ट्रक्स थे, लॉरी थी, जो भी था उसके पास, यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया। और बी लिमिटेड को ही क्या करा, बी लिमिटेड ही अब ट्रक चलाती थी इसके पास क्योंकि लाइसेंस था, इसके नेम पे था लाइसेंस। और एक तरह से देखिए पीछे से पर्दे के पीछे कौन है, ए लिमिटेड है, ए लिमिटेड के डायरेक्टर, शेयर होल्डर्स वगैरह। तो बी लिमिटेड सिर्फ एक नाम के लिए बनाई गई है खाली, क्योंकि जो एक्चुअली में कंट्रोल है अफेयर्स में उस वो किसके ऊपर है, किसके पास है, ए लिमिटेड के पास है, जिसको इन्होंने लाइसेंस देने से मना कर दिया था। कोई रीज़न होगा इस वजह से मना किया होगा, जो कि उनके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते होंगे लाइसेंस एक्ट के तहत, तो इसको मना कर दिया। लेकिन जब बी लिमिटेड बनाई गई तो उसमें ऐसा कोई उसको दिखाया नहीं गया, कुछ बी लिमिटेड के पेपर्स प्रेजेंट किए गए तो इन्होंने दे दिया इसको लाइसेंस। अब जब ये बात सामने आई तो क्या हुआ, इनका लाइसेंस जो था वो रद्द कर दिया गया था, एक केस हुआ था ये, तो उसमें क्या हुआ, इनका जो लाइसेंस था वो रद्द कर दिया गया क्योंकि इन्होंने देखा कि जितने भी ट्रक्स वगैरह जो भी थे ट्रांसपोर्ट का काम था, इन्होंने क्या करा था, इसको ही सारे अपने व्हीकल्स वगैरह जितने भी बसेस गाड़ी जो भी थी बी लिमिटेड को ट्रांसफ़र करा था और उसके बाद उससे क्या लिया था, लाइसेंस दिलवा के उसको, और अपना ही काम कर रहे थे ए लिमिटेड, ओके। तो यहाँ पर ही क्या हुआ, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल का इस्तेमाल किया गया और शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स को पर्सनली लेबल कर दिया गया। तो ये था लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल का कंसेप्ट। आई होप सबको अच्छे से समझ आया होगा, क्योंकि देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कंपनी में, क्योंकि कंपनी एज अ लीगल सेपरेट एंटिटी मानी जाती है, मतलब उसका डायरेक्टर्स या शेयर होल्डर्स के साथ कोई भी, शेयर होल्डर्स मेन मानिए आप, शेयर होल्डर्स के साथ कोई भी पर्सनली जो कंपनी होती है वो अलग होती है और शेयर होल्डर्स अलग होते हैं, दोनों की पहचान अलग है। लेकिन जब कोई ऐसी बात आ जाती है जो कि जो हमने फैक्ट्स पढ़े 5 जो थे पॉइंट्स थे, तब क्या करते हैं, इन दोनों को एक ही मान लिया जाता है। तो यही था आज के लिए, इतना ही, अगले सेशन पे मिलेंगे हम लोग। तब तक हमारा चैनल लाइक करें, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, और आपके डाउट्स हो तो प्लीज़ आर इन द कमेंट सेक्शन, आई विल आंसर देम। थैंक यू एंड गुड बाय।